नमस्कार, मैं हूँ अन्नू सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। आज से देशभर में मनाया जा रहा है गणेश पूजा और मिथिलांचलवासी मनाएंगे चौठ चंदा। गणपति बप्पा मोरिया राजधानी सहित पूरे प्रदेश में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी शनिवार से यानी कि आज गणेश उत्सव शुरू हुआ। वहीं मिथिलांचलवासी चौठ चंदा मनाया। पूरे विधि विधान के साथ सनातन धर्मावलंबी गणेश जी और चंद्रमा की पूजा किए। गणेश जी को दुर्वा, लाल फूल, लाल वस्त्र, लड्डू, मोदक का भोग लगाया। आप सभी को जीएस न्यूज की टीम की ओर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर बिहार और देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। और राज्यपाल फागू चौहान ने अपने शुभकामनाएं में संदेश दिया और कहा कि गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मैं कामना करता हूं कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना से बिहारवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का समावेश हो। समस्तीपुर के करहै नदी में 20 से 25 लोगों से भरी नाव पलटी। समस्तीपुर जिले में एक बड़ा नाव हादसा हो गया है। करहै नदी में नाव पलट गई। इस नाव में 20 से 25 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से नाव पर सवार लोगों को बचाया गया। हालांकि 3 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बिहार चुनाव आज से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक। देवेंद्र फडणवीस देंगे जीत का मंत्र। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। वर्चुअल माध्यम से 2 दिवसीय इस कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस समेत बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होकर विधानसभा में जीत का मंत्र देंगे। नीतीश ने दलित नेताओं को सीएम और विधानसभा अध्यक्ष बनाया। जेडीयू के मंत्री बोले, इस बार 200 सीट जीतेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आई। जेडीयू पार्टी में दलित नेताओं के मान सम्मान को लेकर राजद नेताओं की ओर से कही गई सारी बातें जेडीयू के नेता को चुनौती दे रहे हैं। जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट में शामिल दलित मंत्रियों की ओर से पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के नेताओं ने सीएम नीतीश को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताया है। सरकारी कार्यक्रम में मांझी का नाम सुन चौंक गए नीतीश। बिना देखे ही दे दिया धन्यवाद। ऊर्जा विभाग के कई योजनाओं का आज सीएम नीतीश कुमार ने सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,855 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी भी शामिल हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार को इसकी जानकारी नहीं थी। जब कार्यालय में शामिल होने की जानकारी नीतीश कुमार को मिली तो वो चौंक गए। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीबीआई को गड़बड़ी का शक। डॉक्टरों से कर रही है पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीबीआई को भी शक हो रहा है। जो रिपोर्ट मुंबई पुलिस ने सीबीआई को दी है उसे देखने से सीबीआई को शक हुआ। आपको बता दें कि जांच टीम को शक है कि या तो सही से पोस्टमार्टम नहीं हुआ या फिर जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। तेजस्वी के दलित कार्ड को काटने नीतीश के 4 मंत्री मैदान में उतरेंगे। श्याम रजक के आरोपों का देंगे जवाब। जेडीयू से बाहर किए गए पूर्व मंत्री श्याम रजक ने आरजेडी में जाते ही नीतीश सरकार पर हमला तेज कर दिया है। श्याम रजक ने दलित कार्ड खेलते हुए न केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है बल्कि जेडीयू की नीतियों पर भी सवाल उठा दिए हैं। तेजस्वी के चुनावी रणनीति में श्याम रजक के जरिए दलित कार्ड सबसे मजबूती से खेला जा रहा है और आरजेडी के दलित कार्ड को लेकर नीतीश कुमार परेशान हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार के इन 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रपति करेंगे पुरस्कृत। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। सारण जिले के गरवा प्रखंड के अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय के बीरपुर के संत कुमार शाहनी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों को अपने हाथों से शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को सम्मानित करेंगे।
बिहार के शहरों में एक और बाईपास बनने की योजना पर काम शुरू। बिहार के विभिन्न जिलों में अतिरिक्त बाईपास सड़क बनने की योजना पर पथ निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया है। जिले से आए प्रस्तावों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। विभाग की कोशिश है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष से ही निर्माण शुरू हो जाए। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के एक कार्यक्रम में जिले में अतिरिक्त बाईपास बनाने का निर्देश दिया था। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी भारत। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। बिहार में मिले कोरोना के 2238 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में आंकड़ा पहुंचा 119,909। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीजों की पुष्टि हो रही है। देखा जाए तो बिहार में जितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है उतनी ही तेजी से रिकवरी रेट भी अच्छी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 2238 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 119,909 हो गई है। बिहार में फिलहाल 27,479 कोरोना के एक्टिव केस हैं। चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न का सही जवाब जानने का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 जून। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर YouTube की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम है जूली कुमारी, उसके बाद है रजनीश रंजन, बेचन कुमार, संतोष आचार्य, रणवीर कुमार, रविंद्र कुमार सिंह, सरोज यादव, शिव क्रांति, दीवाना कुमार और रुपेश कुमार। इसके अलावा अगर फेसबुक की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम है प्रतिभा झा, उसके बाद है संकेत शिवम, परशुराम कुमार, सरोज कुमार, रितेश कुमार, मनीष यादव, ऋतिक रोमियो, कुमार आशीष, मिष्टी गुप्ता और आनंद कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।